में भी डिस्टर्ब कर रखा है, किसी तरह का हमारा ना तो कोई काम है इधर में, मिट्टी धूल कीचड़ मतलब परेशान कर रखा है। आप ये जो कल खुदाई में इसमें देखिएगा, ये जो जेसी भी चलाई है, ये जेसी भी चलाई है यहाँ देखिए मतलब पूरा इतना इतना हो जाए। ये मेरा दुकान का कांच जो है पूरा कांच जो है पूरा टूट गया। आप बाहर आगे जरा एल्यूमिनियम पैनल देखेंगे तो पूरा पैनल भी तोड़ दिया मैंने, यहाँ तक की हालत है। पूरी नींव तक दुकान की हिला दी है, और इसके अलावा भी अगर कोई जवाब देना किसी को पूछना चाहे तो कोई जवाब देने वाला इधर नहीं है। क्या मांग है सर आपकी? मांग तो ये है कि जो काम हो सकता है तरीके से, जैसी भी चलनी चाहिए, अगर पाइप यहाँ पर हो रहा है तो दुकान की नींव को क्यों उन्होंने खराब किया? पूरी पूरी दुकान की नींव हिला दी है। अगर आप देखेंगे तो पूरी दरार आ गई, आप यहाँ पर ऊपर भी देखेंगे तो दरार आ गई पूरी की पूरी यहाँ पे। कितना नुकसान हो गया होगा सर आपका? कम से कम 1,00,000 रुपए का मेरे एस्टिमेटेड नुकसान का, उसमें कांच भी आ गया, उसमें एल्को पैनल भी आ गया, उसमें मेरे दुकान का ये नींव भी आ गया, सभी चीज़ें। ठीक है जी, थैंक यू। आपका नाम बताइए। जयेश चंपावत, अध्यक्ष अश्विनी बाजार व्यापार संघ। अब बताइए क्या परेशानी है सर? अश्विनी बाजार में पिछले 10 दिन से एक 10 फीट की नाला नहीं खोद पाए स्मार्ट सिटी वाले, और उन्होंने नाला खोदते खोदते हमारे एक ऑयल बेच की शॉप है, व्यापार संघ के सदस्य हैं हमारे, उनकी दुकान पे ज्यादा उन्होंने खुदाई कर ली। उनके साइन बोर्ड जो एल्को पैनल से बना हुआ था वो भी तोड़ दिया, अंदर ग्लास थे, दुकान का संडे था, दुकान बंद थी, दुकान बंद होते हुए खोलते हुए उन्होंने शटर के अंदर से कांच तोड़ दिया, अंदर से नींव गिरा दी, और लगभग लगभग 1,00,000 रुपए का नुकसान इन्होंने कर दिया। और जब इनसे बातचीत की तो ये कहते हैं ऐसा काम होता रहता है, जब इनसे एक तरीके से काम नहीं हो रहा है, जबकि स्मार्ट सिटी बनाने के लिए काम करने आए हैं, लेकिन तो न तो कोई नियम है, न कायदे हैं, न किस तरीके से खोदना है, न प्रशासनिक से अनुमति किसी का काम करना है, कैसे नाले का अलाइनमेंट करना है। 6 महीने 2 साल पहले इस नाले को पहले भी खोद चुके हैं, अभी वापस खोद रहे हैं, न जाने इनका क्या काम करना है, समझ में आ नहीं रहा इनको। और ये एक व्यापारी जो हमीर भाई है, इनका एक दुकान है, और ये पूरा यहाँ से बोल रहा है, ये कांच हो रहा है, कांच नहीं मिला दी है, सभी तरह से नुकसान कर दिया है। और आने वाले समय में अगर नहीं हुआ, व्यापार संघ इन स्मार्ट सिटी वालों को बिल्कुल चेतावनी दे रहा है कि या तो व्यापार बंद करेंगे हम, प्रदर्शन करेंगे और मुआवजा भी लेंगे, और इनको यहाँ काम नहीं करने देंगे। तो मौके पे ही अधिकारियों को बुलाया गया क्या? मौके पे महापौर जी को बुलाया, उन्होंने इनको बिल्कुल चेतावनी से बुलाया कि व्यापार की सहमति से काम किया जाए और बिल्कुल देखरेख में काम किया जाए, लेकिन इनको ये बात समझ में नहीं आ रही है। और हर बार इन्होंने इस तरह से नुकसान किया है, व्यापारी हर जगह पिटता है, व्यापारी बेचारे को जहाँ काम अभी 10 महीना भर हुआ हमारा व्यापार चालू हुआ है, और एक तरह से नाला खोद के व्यापार को ठप करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या इनके ही पेट लगे हुए हैं क्या? हमारे व्यापारी के पेट नहीं लगे हुए हैं क्या? और एलएनटी के अधिकारियों को मौके पर बुलाया है? खाली एक जूनियर अधिकारी गांगुली को बुलाया है, उन्होंने कहा मैं ठीक करवा दूंगा, लेकिन अभी एलएनटी के अधिकारियों को खाली आश्वासन दे रहे हैं, जिनके सीनियर अधिकारी जब तक यहाँ नहीं आएंगे, अभी आधे घंटे एक घंटे में हम वेट कर रहे हैं, नहीं आएगा तो मार्केट बंद कराएंगे, रास्ता जाम होगा और इनके खिलाफ एफआईआर भी कराई जाएगी। वार्ड 56 हाथीपोल क्षेत्र में स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। स्मार्ट सिटी के काम से पूरे शहर में लोग परेशान हैं, और खासकर ये बाजार है, अभी लॉकडाउन खुले ही है, लोगों को इतनी परेशानी हो रही है। हमने स्मार्ट सिटी वाले से बोला कि भाई ढंग से काम करो, उसके बावजूद भी अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं। जिस दुकान पर हम खड़े हैं उस दुकान इन्होंने हिला दी खोद के, दुकानदार सब परेशान है, ऊपर के बोर्ड लोग भी इन्होंने तोड़ दिए हैं। तो हम इनसे निवेदन करना चाहते हैं, अभी यहाँ से पुलिस वाले भी आए हैं, यहाँ के जो यूनियन वाले हैं वो भी आए हैं, सब दुकानदार परेशान हैं। हम नगर निगम के माध्यम से स्मार्ट सिटी से चाहते हैं कि जो इनके नुकसान हुआ उसका मुआवजा भरे, अन्यथा हमें एफआईआर दर्ज करानी पड़ेगी स्मार्ट सिटी के खिलाफ। और ये जो काम कर रहे हैं इसको गुणवत्ता से भी नहीं कर रहे हैं, कोई देखरेख करने वाला नहीं है। ठीक है सर।